सेल, मान लीजिए कि हमको सबसे पहले समझना है प्रोकैरियोटिक टर्म को समझिए। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ये जो टर्म है देखिए, प्रो बना है कैरियन और प्लस इक जो दिख रहा है, ठीक है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और इक मतलब होता है पर्टेनिंग टू चाहे रेफर्स टू, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली किसको डिनोट करता है, जो न्यूक्लियस है जो प्रिमेटिव है प्राचीन काल का, ठीक है। तो क्या होता है प्राचीन काल का, सब हम आप बाद में एकदम सब देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्लासिफिकेशन कैसे आप कीजिएगा, ये हम नहीं बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है और यूकैरियोटिक का क्या होता है, ये सब आप कीजिएगा, ठीक है। बस हम थोड़ा सा इसमें हम पढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं और चाहे कमेंट कर सकते हैं कि लास्ट में जैसे कि आप बता दें, ठीक है, तो उसमें भी हम बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे प्रोकैरियोटिक के बारे में समझिए, किसी भी सेल को अगर देखने के लिए, ठीक है, हमको क्या यूज करना पड़ता है, डाई यूज करना पड़ता है, स्टेनिंग यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे कि एनसीईआरटी में देखे हैं कि एनसीईआरटी बुक में दिया है कि जो बैक्टीरिया का जो शेप है साइज के बेसिस पे भी क्या हुआ है, क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं रॉड जैसे हैं, कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल हैं, कुछ कॉमा शेप्ड जैसे हैं, चाहे कुछ स्पायरल शेप जैसे हैं। तो ये सब बैक्टीरिया को कैसे देखा गया कि हाँ ये चीज रॉड जैसा है चाहे स्फेरिकल है, ठीक है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम, ठीक है, ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, इसके लिए है क्रिश्चियन ग्राम, वो एक टेक्निक निकाले हैं जिनका नाम दिए ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग वो क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि ग्राम स्टेनिंग जैसे जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, उस पर एक इनवेलप होता है, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है। सिंपल अभी समझिए, जैसे ये एक सेल है, इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनवेलप। अभी के लिए बस इतना समझिए, बाकी इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे डीप से, ठीक है। और नॉर्मली इसको समझिए कि जैसे कि ग्राम स्टेनिंग हुआ, तो ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ये ग्राम स्टेनिंग किए, ठीक है, और क्या क्या और कैसे ये प्रोसेस पूरा हुआ। तो इसके लिए देखिए कि ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए उसको करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि जो प्राइमरी स्टेन है रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट प्राइमरी स्टेन मतलब जिससे हमें स्टेन करना है, तो सबसे पहले उसको निकालिए आप, लाइए भाई मार्केट से खरीद के, तो प्राइमरी स्टेन को लाएं। फिक्स कुछ फिक्सेटिव्स लाएं कि मतलब मान लीजिए जिस पे आप कर रहे हैं तो उसको तो फिक्स करना है, ठीक है, कि मान लीजिए आप जो रिएक्शन करा रहे हैं वो रिएक्शन किसी दूसरे चीज़ में बदल जाए, ठीक है, वो हो ही ना पाए, तो इसके लिए उसमें फिक्सेटिव यूज करेंगे जिसमें कि वो कॉम्प्लेक्स बना ले और वो स्टैटिक रहे, और वो जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो ज़्यादा देर तक हम उस रिएक्शन को चाहे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए हम उसको फिक्सेटिव को यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमको यूज करना है डिकॉलराइजर्स, ठीक है। डिकॉलराइजर इसलिए यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं, तो स्टार्च टेस्ट में सबसे पहले क्लोरोफिल पिगमेंट्स वाला इसको हटाते हैं अल्कोहल डाल के। तो कारण क्या है हटाने का, उसमें पहले पिगमेंट को हटा देंगे, क्लोरोफिल को हटा देंगे कि फिर नया जो है ग्लूकोज ना बने, ठीक है। अगर नया ग्लूकोज बनता है तो फिर नया तो मेरा जो जाँच है वो गलत हो सकता है, स्टार्च जाँच जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए हम इसको डिकलराइजर चाहे इसमें उसके तौर पे हम लोग वहाँ पे एसीटोन चाहे अल्कोहल यूज करते थे, इसमें भी सेम वही यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद से काउंटर स्टेन यूज करेंगे, ठीक है। चार चीज आपको यूज करना है, प्राइमरी स्टेन, फिक्सेटिव, डिकलराइजर एंड काउंटर स्टेन, ठीक है। बहुत पुराने जैसे कि मतलब जो एनसीईआरटी के 2006 के पहले जो एनसीईआरटी थी इसमें ये सब चीज दिया था, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन के लिए हम इसमें यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, डाई है, क्रिस्टल वायलेट डाई यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें कोई मालूम नहीं, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये हमें मालूम नहीं है कि कोई ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, ठीक है। तो जब हम आप इस पे स्टेन डालें, ठीक है,
जब स्टेन डाले तो ये भी स्टेन ऑप्टेक किया और ये भी स्टेन ऑप्टेक किया, ठीक है। जब ये स्टेन ऑप्टेक करेगा इसके साथ उसमें क्या करेंगे, कुछ उसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फिक्सेटिव के लिए उसको हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएंगे। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि इस क्रिस्टल वॉयलेट को साथ में, इस क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में हम लोग क्या यूज कर देंगे, आयोडीन। अब ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो कलर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद से हम इसमें डिकलराइजर डाल देंगे, फिर वो कलर को वाश आउट करेगा, ठीक है। कलर जब वाश आउट होगा इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एसीटोन, अच्छा है, इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद हम उसमें यूज कर रहे हैं काउंटर स्टेन। मान लीजिए कि अब जो हम कलर डाले थे, जो पहला कलर था जो वायलेट था, समझिए, मान लीजिए पहला कलर वायलेट था और इसमें भी हम लोग क्या दिए थे, वायलेट ही डाले थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब हम इसको डिकलराइजर जब डालते हैं तो इसका जो है ये खत्म हो गया, ये स्टेन खत्म हो गया इसका, और इसमें ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो जब हम इस पे काउंटर स्टेन डालेंगे, और काउंटर स्टेन में क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप सेफ्रनिन डालते हैं या आप डालते हैं कार्बोल फ्यूशन, ठीक है। तो कार्बोल फ्यूशन डालेंगे इसमें तो ये कौन सा कलर गेन कर लेगा, पिंक कलर, और ये पिंक कलर गेन नहीं करेगा क्योंकि जो पहला जो इनिशियल कलर था उसका प्राइमरी स्टेन ही ये लिया हुआ है। तो ये हो गया वायलेट कलर है, ठीक है, और ये पिंक कलर है। तो जो वायलेट कलर है उसको कहा गया ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर है ग्राम नेगेटिव। मतलब ग्राम मेन ओरिजिनल ये था, अगर इसका जो स्टेन लेता है, ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर स्टेन नहीं लेता वो हो गया नेगेटिव। तो इसी तरह कुछ बैक्टीरिया को कहा गया कि हाँ कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव और कुछ हो गए ग्राम नेगेटिव। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। आप अगर याद करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। इसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर को देखें, इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तो बाद में आया, तो इसके बेसिस पे हम कुछ स्ट्रक्चर देखें। कुछ जो बैक्टीरिया है जिसमें कुछ है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, कुछ बैक्टीरिया रॉड फॉर्म में है, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप में है, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल है, कॉमा रॉड और स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल है इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोकाई बैक्टीरिया, चाहे कोकस, जैसे स्टेफाइलोकोकस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रिप्टोकोकस के बारे में जानते हैं, ठीक है। चाहे रॉड सब में अगर बात करते हैं तो वैसिलस, वैसिलस बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जो रॉड सब होता है, कोमा सब के बारे में, विब्रियो कॉलेरा। स्पाइरल शेप की अगर बात करते हैं तो इसमें स्पाइरलम, ठीक है, इसमें स्पाइरलम बैक्टीरिया आता है, ठीक है। और इसी की तरह और ज़्यादा एकदम कर्व है, ठीक है, तो ज़्यादा कर्व है तो वो जैसे साइफिलिस, जो बैक्टीरिया कौन करता है साइफिलिस, ये आपको याद रखना है एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेपेनोमा पैलिडम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो है आपका नॉर्मली कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव और ये कैसे रिटेन जो किया, फिर डिकलराइज हो गया, फिर वो पिंक बना, ठीक है। अब जैसे देखते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जो भी सेल वॉल होता है प्रोकैरियोटिक में, और चाहे जैसे कि फंगाई में भी होता है, अलगी में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये जो सेल वॉल है इस बैक्टीरिया में क्या काम होता है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का ये क्या मेंटेन करता है, शेप को ये मेंटेन करता है, मतलब शेप टू द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल का शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी रिजिडिटी
मजबूती और उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम, जैसे मान लीजिए हाइपरोस्मोटिक बस्ट, ये हाइपरोस्मोटिक बस्ट ये सब हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। डैमेज और एंड फ्रॉम इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन से हाइपरोस्मोटिक बस्ट से इसको बचाता है। कैसे बचाता है, सबसे पहले समझिए कि जैसे देखिए, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, अब बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये है सेल वॉल, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन से, ठीक है। और पेप्टिडो ग्लाइकेन जो होता है, समझिएगा, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन का दो चीज से बना होता है, ये कौन कौन कंपाउंड से, तो एक होता है नैग, एक होता है नैम, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन, और दूसरा हो जाएगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये जो टर्म है ये आया है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2014 या 15 15 के आसपास आया था, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन दो यूनिट से बनाता है, नैग और नैम। तो यहां से देखिए, इसको मान लीजिए हम इनलार्ज करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि यहां पे क्या है। तो यहां पे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नैग है, ये नैम है, ये है नैग, ये है नैग, नैग और नैम, ये मान लीजिए बैक्टीरिया में ये नैग, नैग के बाद हमेशा नैम, फिर नैग, फिर नैम, फिर नैग और नैम, ठीक। सेम यही नैग, नैम, नैग, नैम, नैग, नैम, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, एक यूनिट हो गया नैम नैग, और नैम और नैग के बीच में एक यूनिट है, मतलब नैम और नैग एक से ज्वाइन है, फिर नैम नैग एक से ज्वाइन है, नैम नैग एक से ज्वाइन है, ठीक है। तो ये एक यूनिट हो गया कि नहीं, नैम और नैग का एक यूनिट हो गया, फिर नैम और नैग का एक यूनिट हो गया, ऐसे ये यूनिट बन गया। ठीक है, तो इस नैम और नैग यूनिट का जो आप ये सब का यूनिट बनेगा, एक नैम नैग यूनिट, जैसे एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये बाकी तीसरा यूनिट है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो ऐसे नैम और नैग ज्वाइन करके, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है पेप्टिडो ग्लाइकेन। और इस पेप्टिडो ग्लाइकेन जैसे नैम के साथ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक अटैच होता है जो कि अमीनो एसिड से बना होता है, सिर्फ नैम पोर्शन पे, ठीक है, नैम पोर्शन पे। तो अब देखिए, ये इसके इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, इसकी मजबूती प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये डैमेज होता है, अगर ये डैमेज होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये कौन सेल वॉल, तो जो सराउंडिंग में जो पानी है ना, जो पानी है इस सेल में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अब सेल जैसे ये टूटेगा तो सेल में क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी एंट्री कर जाएगा। जब सेल में पानी जब एंट्री करेगा तो सेल स्वेल करेगा। अब इस स्वेलिंग के चलते जब ज्यादा से ज्यादा पानी भर जाएगा तो इसका सेल क्या हो जाएगा, बस्ट अप हो जाएगा, फट जाएगा। और इसके चलते बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा। तो इस हाइपरस्मोटिक मतलब इस वाटर से बचाने के लिए उसको क्या चाहिए, पेप्टिडो ग्लाइकेन। और वो पेप्टिडो ग्लाइकेन क्या है, सेल वाल, ठीक है। ये सेल वाल का
जो है अगर सेलवाल अगर ना रहे तो बैक्टीरिया में क्या आसानी से पानी एंट्री कर जाएगा और फिर इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है, इसलिए सेलवाल की जरूरत है। तो इसलिए हम क्या कहे थे यहाँ पे कि बैक्टीरिया जो है इसके शेप को ये मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन करता है, इसकी मजबूती प्रोवाइड करता है। क्यों मजबूती प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये कंपाउंड दो है जो इसकी मजबूती प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे मानिए इस जैसे कि इस सेल वॉल में जैसे ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये बॉन्डिंग देख रहे हैं, मतलब जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट कराने के लिए इसके सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, इसके सेल मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको होता है पी बी पी। ठीक है, पी बी पी इसको कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ही इनका फॉर्म इनके बॉन्ड इनके बीच का बॉन्ड बनाता है, मतलब इसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग कराता है। और जब ये क्रॉस लिंकिंग होगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, सेल वॉल मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। और जब सेल वॉल स्ट्रांग होगा तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, हाइपरस्पोटिक बस्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जो जो पेप्टिडोग्लाइकिन ये हेल्प करता है। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे सेलवाल देखते हैं, और जैसे सेलवाल तो एनिमल में नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा अगर हम बात करते हैं फंजाई में, तो फंजाई में किससे बनाता है, काइटिन से, और काइटिन में क्या होता है नैग, और नैग का फुल फॉर्म जानते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और एन एस एन मतलब नाइट्रोजिनस नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड किस में होता है, ये सवाल आया था। ठीक है, दूसरा बात आप याद कर सकते हैं जैसे कि अलगी में कौन कौन सा होता है, तो अलगी के लिए आप याद कर सकते हैं सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के साथ आप याद कर सकते हैं हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज में गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस मैनेंस, और बहुत बहुत मतलब जैसे सेल में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में आता है इसका सेल वॉल जो बनाता है सेल्यूलोज से बना होता है, फिर आप याद कर सकते हैं हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन्स से बना होता है, फिर प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली हम अभी तक पढ़े हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल का, कि कैसे ग्राम स्टेनिंग है, शेप के बेसिस पे क्या होता है, फिर इसके बाद से कैसे ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है बना होता है, और उनका क्या कार्य है, कैसे ये वर्क करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कि सेल वॉल होता है किसमें, कैसा सेल वॉल होता है, जो फंजाई में जो बना होता है काइटिन से बना होता है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन होता है, अलगी में सेलुलोज से बना होता है, प्लांट में आप जानते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, ये सबसे बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर।